जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति भी बहुत दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में यूपी में गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। एसपी बीएसपी अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों की ओर से एमपी और उत्तराखंड में साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा में से एक गढ़वाल सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 4 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं मध्य प्रदेश में एसपी बालाघाट, टीकमगढ़ और खजुराहो सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बाकी 26 सीटें बीएसपी के हिस्से में आई हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी। इस चुनाव में एसपी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था, लेकिन बाद में दोनों ही पार्टियों ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का ऐलान किया था। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बीएसपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 2017 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को किसी सीट पर जीत तो नहीं मिली थी, पर पार्टी 7% सीट शेयर पाने में जरूर कामयाब रही थी। विधानसभा चुनाव में एसपी को सिर्फ 0.4% वोट शेयर किया गया था। इन दोनों राज्यों में बीएसपी और एसपी का गठबंधन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। 2017 में करारी हार मिलने के बाद पार्टी यहां वापसी करने की कोशिश कर रही है, पर अब एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद कांग्रेस की वापसी की राह मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस पहले ही अपने आप को यूपी में प्रियंका गांधी के भरोसे उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब कैसे उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को बचाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। एसपीएनआई न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।